सऊदी अरब से बढ़ती दूरी ने चीन को बनाया पाकिस्तान का सबसे भरोसामंद दोस्त। सऊदी अरब का कर्जा अदा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को दिया $1 अरब का एडिशनल लोन। सऊदी शाह सलमान का एतराफ, कोरोना की वबा ने सऊदी इकोनॉमी को कर दिया है बुरी तरह मुतासर। सऊदी अरब में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की भी हुई शुरुआत। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है सियासी बहरान। इमरान खान हुकूमत से टक्कर लेने वाली मरियम नवाज और दीगर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज। यूपी में 2022 में होने वाले इलेक्शन की असदुद्दीन ओवैसी ने बिछाई चुनावी बिसात। राजभर से की मुलाकात, बिहार की तर्ज पर बनाएंगे नया गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी का ममता को जवाब, मुस्लिम वोट आपकी भी जागीर नहीं, अपनी पार्टी को संभालने का दिया मशवरा। कहा, असदुद्दीन ओवैसी को पैसों से खरीदने वाला दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। तेलंगाना में अगले साल जनवरी के मिडल में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की हो सकती है शुरुआत। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर G. श्रीनिवास राव ने जाहिर की उम्मीद।